हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चेस जर्नी। सो आज हम एनालाइज करेंगे ताल वर्सेस व्लादिमीर एकोपियन का गेम। बहुत ही पुराना गेम है, बहुत शानदार मैच है। स्टार्ट करते हैं। e4 c5 वाइट से खेल रहे मिखाइल ताल, ब्लैक से खेल रहे एकोपियन। सो नाइट f3, नाइट c6 एंड नाउ बिशप टू b5। सिसिलियन यहाँ पर स्टार्ट हुई है। नाउ d6 कैसल एंड नाउ बिशप d7। सिसिलियन की रोसोलिमो वेरिएशन ये चल रही है। और यहाँ पर वाइट ने खेला रुक e1, ये लाइन है नाइट f6। द पर्पस ऑफ नाइट f6 इज टू टेक दिस पॉन ऑन, टू टेक दिस सेंट्रल पॉन। सो यहाँ पर c3 खेलते हैं। ध्यान रहे कि रुक इस पॉन को सेव भी कर रहा है और इस मूव का पर्पस था पॉन को कैप्चर करने के साथ में ही पीस को डेवलप करना। सो नाउ a6, यहाँ पर व्लादिमीर एकोपियन स्टार्ट कर रहे हैं बिशप पर अटैक करना और वो चाहते हैं कि उनकी जो क्वीन साइड की जो पॉन्स है उसको वो आगे बढ़े। तो यहाँ पर मिखाइल ताल ने खेला है बिशप टू a4 एंड नाउ c4। ये एक हल्की सी मिस्टेक, यहाँ पर सडनली एकोपियन b5 खेल सकते थे बट इतनी भी बुरी मूव नहीं है। सो c4 खेला यहाँ पर एकोपियन ने और d4 के साथ में जवाब दिया मिखाइल ताल ने। c into d3 यहाँ पर पॉन को कैप्चर किया है एंड नाउ इंटरमीडिएट मूव बिशप टू g5। बहुत ही अच्छी मूव है बिशप टू g5 एंड e6। e6 का पर्पस है इस बिशप को डेवलप करना, इसका डायगोनल ओपन करना। चलिए, सो क्वीन इनटू d3, बिशप टू e7। तो सो एक ये मूव जो है इनएक्यूरेसी है व्लादिमीर एकोपियन की, क्योंकि बिशप e7 खेलने के बाद में इस पॉन को अगर मिखाइल ताल कैप्चर करते हैं, सॉरी इस नाइट को कैप्चर करते हैं, देन अगर वो बिशप से कैप्चर करते हैं तो सिंपली वाइट क्वीन इनटू d6 कर देगा और एक पॉन डाउन हो जाएंगे यहाँ पर व्लादिमीर एकोपियन। और अगर पॉन से कैप्चर करते हैं बिशप को तो जो पॉन स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा रुइंड हो जाएगा और कैसल जो है वो डेंजरस हो जाएगी, क्योंकि जो जी फाइल है वो वाइट के लिए ओपन हो जाएगी। सो बिशप e7 की जगह यहाँ पर h6 खेल सकते थे, और अगर वो बिशप h4 खेलते तो पहले b5 खेलते एंड बिशप अगर c7 पर जाता तो देन g5 करके भी गेम को खेला जा सकता था, जिससे कि पॉन स्ट्रक्चर सॉलिड रहता और इन द फ्यूचर बिशप टू g7 करके कभी भी कैसल कर सकते थे व्लादिमीर एकोपियन। सो यहाँ पर बिशप e7 खेला मिखाइल ताल ने, यहाँ पर फटाफट से नाइट को कैप्चर कर दिया और पॉन स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो किंग साइड है वो खासी वीक हो चुकी है ब्लैक की कैसल के लिए। सो यहाँ पर धीरे धीरे एक्सचेंजेस कर रहे हैं मिखाइल ताल, बिकॉज वो चाहते हैं कि इस नाइट को सेंट्रलाइज कर दें और अगर वो पॉन पुश करते हैं तो यहाँ पर f5² भी उनको मिल जाए, साथ ही में यहाँ पर इसको कैप्चर करके पॉन स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे कि ना तो वो इधर साइड कैसल करें ना इस साइड कैसल कर सकते हैं। सो c4 एंड नाउ कैसल्स, बहुत ही ब्रेव डिसीजन यहाँ पर व्लादिमीर एकोपियन का। गेम कंटिन्यू ऑन नाइट c3 एंड किंग h8। ओके, पर्पज है किंग h8 का यहाँ पर रुक को जी फाइल में लाना और इस किंग को सेव करना। सो यहाँ पर सिंपल खेल रहे हैं मिखाइल ताल, कोई सेक्रीफाइसेस नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे पीसेस को डेवलप करें और अटैक करें, क्योंकि मिखाइल ताल आप जानते हैं कि ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं बैठ सकते बिना अटैक किए। सो रुक टू g8, क्वीन e3 प्लेसमेंट बना रहे हैं धीरे धीरे। क्वीन एफ एट का पर्पज़ है कि यहाँ पर डार्क स्क्वायर को स्टॉप किया, मिखाइल ताल यहाँ पर कभी भी जंप कर सकते हैं फ्यूचर में, दैट इज वाई। सो नाइट टू d4 एंड रुक टू c8। यहाँ पर मिखाइल ताल ने स्टार्ट किया अटैक f4 के साथ में। दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा पर्पस ये भी हो सकता है f4 का, रुक f1 करके इस रुक को इस लिफ्ट करवा के इस तरह से ज़िगज़ैग टाइप का अटैक कर सकते हैं। तो बिशप टू d7 एंड नाउ b3। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी मूव है ये b3। यहाँ पर पॉन स्ट्रक्चर को सॉलिड किया। ये जो पॉन स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं डायगोनल पॉन्स, और ये जो पॉन का हेड है और ये हो चुका है बेस। सो अगर इस पॉन स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है तो इसके बेस पर अटैक करना पड़ेगा,
जो कि पॉसिबल नहीं है ब्लैक के लिए, इसीलिए बी थ्री से स्ट्रॉन्ग किया। एंड नाउ सिंपली बिशप टू डी एट, पर्पज है बिशप टू डी एट का, वो वेट कर रहे हैं व्लादिमीर रेकोपियन की वाइट क्या मूव करता है, उसके अकॉर्डिंग इस गेम को कंटिन्यू रखेंगे। तो नाइट एफ थ्री एंड नाउ बी फाइव, अच्छी मूव है यहाँ पर, काउंटर अटैक जरूरी है क्योंकि ब्लैक के पीसेस यहाँ पर सॉलिडली रखे हुए हैं, साथ ही में किंग भी सेफ है ब्लैक का फिलहाल तो। और यहाँ पर माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी वाली जो बातें हैं, आपने पढ़ा होगा बुक में भी कि माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी, तो माइनॉरिटी की पॉन्स को यहाँ पर कम कर रहे हैं धीरे धीरे, अच्छी मूव है ये। एंड नाउ क्वीन टू ए सेवन, प्लेसमेंट बनाया है मिखाइल ताल ने, उन्होंने देखा कि अब ये पॉन जो है वीक है और साथ ही में इस बिशप पर भी अटैक है। सो बिशप टू सी सेवन, इससे अच्छी बेटर मूव हो सकते थे यहाँ पर, वो मूव हो सकती थी ये बिशप टू ए फाइव, पर इट्स ओके, बिशप टू सी सेवन थोड़ी सी इनएक्यूरेट मूव है। सो मिखाइल ताल को एक फ्री की पॉन मिली और यहाँ पर बी इंटू सी फोर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो मूव चली है मिखाइल ताल ने, वो की एक तरह से ब्लंडर है, बहुत ही बेकार मूव चली थी उन्होंने, चली थी यहाँ पर बी फोर, जो कि गलत है। क्यों गलत है? अगर बी फोर के बाद में ब्लैक डी फाइव कर देता है, एक पॉन सेक्रीफाइस दे रहा है यहाँ पर, अगर पॉन को कैप्चर करते हैं देन क्वीन इंटू बी फोर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्वीन अटैक कर रही है नाइट पर और साथ ही में ये रुक जो है यहाँ पर आने के बाद में इस क्वीन को ट्रैप भी कर रहा है, तो एक तरह से मूव काफ़ी डेंजरस थी यहाँ पर, खेली नहीं उन्होंने बी फोर के बाद में, वो खेल गए क्वीन जी सेवन, जो कि एक तरह से गेम इक्वल हो गया। यहाँ पर एडवांटेज था उनके पास, विनिंग एडवांटेज आ चुका था लगभग यहाँ पर, क्योंकि ये पॉन भी अटैक पर है और उसके बाद में ये जो है पॉन को कैप्चर करते हैं, तो काफ़ी स्ट्रांग मूव आ रही है क्वीन टेक्स बी फोर, और साथ ही में क्वीन ट्रैप होने के भी यहाँ पर चांसेस हो रहे थे। सो क्वीन जी सेवन एंड नाउ जी थ्री, सो इस पॉन को स्ट्रांग किया, डी फाइव अच्छी मूव है, द पर्पज ऑफ डी फाइव इज टू ओपन द डायगोनल ऑफ द बिशप। सो मिखाइल ताल ने पॉन को टेक किया, बिशप इनटू एफ फोर एंड नाउ किंग एफ टू। फ्रेंड्स यहाँ पर पोजीशन लगभग इक्वल है, व्लादिमीर को लग रहा था कि कहीं ना कहीं से ये किंग जो है मैंने इसको थोड़ा सा ओपन किया, एक्सप्लॉइट किया है, पर वो ये नहीं जानते थे कि सामने खिलाड़ी खेल रहे हैं मिखाइल ताल, और यहाँ पर खेला उन्होंने F5, जो कि एक तरह से ब्लंडर है फ्रेंड्स। सिंपली उनको बहुत सारी यहाँ पर मूव्स थी, या तो वो बिशप को पीछे लेकर चले जाते या फिर काफ़ी सारी मूव्स थी यहाँ पर, इस पॉन को भी कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि अगर इसको कैप्चर करते हैं तो बहुत डेंजरस हो जाता मिखाइल ताल के लिए, बहुत सारी चेक्स आ रही थी यहाँ पर और लगभग मैच यहाँ पर मिखाइल ताल का ख़त्म सा हो जाता। सो यहाँ पर एक बैड मूव चली व्लादिमीर रेकोपियन ने F5, सो फटाफट से यहाँ पर मिखाइल ताल ने इसको कैप्चर किया, क्योंकि अब डिफरेंस ये है कि ये जो फाइल है वो अभी क्लोज है, पहले ओपन हो जाती थी। तो क्वीन इनटू C3 कोई डरने वाली बात नहीं है, क्वीन D6 बहुत ही इम्पोर्टेंट मूव, क्योंकि क्वीन D6 से इस डायगोनल पर अगर एक्सचेंज कर लेते हैं क्वीन को, तो ये जो पास्ड पॉन है दो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और ये क्वीन की ओर जा सकती है। सो बिशप टू A4 एंड नाउ रुक टू D4। यहाँ पर ब्लैक ने एक गलती की, इस तरह से पोजीशन में मिखाइल ताल डाल देते हैं कि गलती कर देता है। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने खेला रुक G7, व्लादिमीर रेकोपियन ने खेला रुक G7, जो कि एक बैड मूव है। क्यों बैड मूव है? क्योंकि यहाँ पर जो किंग का रास्ता है वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। बेस्ट मूव थी यहाँ पर रुक टू G6, क्योंकि किंग के पास में G7 का स्क्वायर था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, रुक G7 खेलने के बाद में नाउ D into E6 और बिशप टू C6 के बाद में नाइट G5। अब जो है नाइट इस पॉन को कैप्चर करने के बाद में काफ़ी सारी थ्रेड्स भी दे रहा है, साथ ही में बैक रैंक की थ्रेड भी है यहाँ पर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इस पोजीशन में, रुक G7 से क्या हुआ कि
जो ये पॉन के हटने से रुक और क्वीन इस फाइल में ओपन हो गई, जिससे कि पीछे बैक रैंक मेट का भी खतरा बढ़ गया। सो बेस्ट मूव थी रुक G6, जो कि मैंने आपको बताया। एनीवेज D2E6, Bb2c6 जो गेम में हुआ, Ng5, एंड नाउ यहाँ पर फोर्स हो गया ब्लैक को इसको कैप्चर करना, क्योंकि अगर कोई भी दूसरी मूव यहाँ पर चलते, लाइक सपोज चेक देते या फिर कोई भी मूव चलते, तो सिंपली सारी मूव का डिफेंस था यहाँ पर, ज़्यादा कुछ था नहीं इस पॉन को बचाने के लिए। यहाँ पर फोर्सली देना पड़ा इस रुक को, यहाँ पर रुक इंटू G5, एंड यहाँ पर मिखाइल ताल ने पहले इंटरमीडिएट मूव, इस तरह की मूव को बोलते हैं इंटरमीडिएट मूव। पहले वाइट इसको कैप्चर भी कर सकता है, पर मिखाइल ताल ने पहले मूव चली इंटरमीडिएट मूव, मतलब कि इस मूव से पहले ये वाली मूव चली। सो रुक G7, एंड नाउ डिस्कवर्ड चेक एंड अटैक। सो डिस्कवर्ड चेक एंड अटैक टू द क्वीन, सो रुक इन टू D8, एंड यहाँ पर मैच खत्म हो चुका है लगभग, क्योंकि रुक G7 का पिन है। अगली मूव में रुक G1 भी आ रहा है इस पर डबल अटैक करने के लिए। सो कोई यहाँ पर अच्छी मूव नहीं है। F6, E7 एंड रुक A8, क्वीन इन टू F6 पिनिंग द रुक, एंड नाउ बिशप E4, रुक G1, रुक इन टू A2, एंड आफ्टर किंग E1 ब्लैक ने रिजाइन कर दिया इस मैच को, क्योंकि इसका कोई डिफेंस नहीं है एंड साथ में ये चेकमेट भी हो रहा है। सो मिखाइल ताल ने किस तरह से एक छोटी सी मिस्टेक जो कि यहाँ पर गेम में की ब्लैक ने, रुक G7 खेलकर, रुक G6 अगर वो खेलते तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल चेस जर्नी, ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए हम लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।